शाहरुख खान की फिल्म जवान साल की कुछ चुनिंदा कमाऊ फिल्मों में से एक हो सकती है। ऐसा फिल्म के लिए बना माहौल देखकर लग रहा है। फिल्म का बजट 250 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। फिल्म में एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है। सबकी फीस का एक मोटा माटी अंदाजा अपन को पता चला है, इसलिए हमने सोचा आपको भी इनकी फीस बता ही दी जाए। सबसे पहले शाहरुख खान। ऐसा कहा जा रहा है कि शाहरुख खान ने जवान के लिए 100 करोड़ रुपए लिए हैं। हालांकि ये फिल्म उन्हीं के प्रोडक्शन की है, ऐसे में शाहरुख अपनी ही फिल्म में फीस लेंगे ऐसा समझ नहीं आता। फिल्म जो भी पैसा कमाएगी उन्हीं का होगा। वैसे भी बड़े स्टार्स अपने रोल का पैसा नहीं लेते, इसके बदले फिल्म के प्रॉफिट में उनका कुछ हिस्सा होता है। इसलिए अगर जवान रेड चिलीज की फिल्म ना भी होती तो भी ये कह पाना संभव नहीं था कि शाहरुख की फीस कितने करोड़ है। हालांकि कोई मोई की एक रिपोर्ट में कहा है कि SRK, जिन्हें कभी अपनी पहली फिल्म दीवाना के लिए सिर्फ 4 लाख रुपए मिले थे, अब जवान के लिए 100 करोड़ ले रहे हैं। विजय सेतुपति। विजय सेतुपति जवान में विलन के रोल में है। उनकी फिल्म के लिए फीस 15 से 16 करोड़ बताई गई, पर ऐसा कहा गया कि विक्रम की भौकाल काटने के बाद उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी है। अब ये खबर है कि विजय की फाइनल फीस 21 करोड़ के करीब है। नयनतारा। जवान में नयनतारा शाहरुख के ऑपोजिट हैं। चूंकि वो मूवी की फीमेल लीड हैं, इसलिए भी उनकी फीस अच्छी खासी बताई जा रही है। बॉलीवुड लाइफ के अनुसार नयनतारा ने लगभग 8 करोड़ रुपये चार्ज दिए हैं। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि ये फीस 8 से 11 करोड़ के बीच हो सकती है। सानिया मल्होत्रा। पिछले कुछ सालों में सानिया मल्होत्रा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बतौर एक्टर खुद को साबित किया है। OTT पर महिला केंद्रित फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। ऐसे में उनको जवान के लिए कुल 2 करोड़ के आसपास पैसे मिले हैं। प्रियमणि। साउथ में बढ़िया काम करने के बावजूद प्रियमणि को कायदे से हिंदी ऑडियंस ने फैमिली मैन के जरिए जाना। उनका भी जवान में जरूरी रोल बताया जा रहा है। जैसी खबर है उसके अनुसार उनको इस फिल्म के लिए 1 करोड़ के आसपास मिले हैं। सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर ने हालिया दौर में खुद को कॉमेडी के इतर चुनौती देने की कोशिश की है। इसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे हैं। तांडव में उनका काम हम सब ने देखा। जवान में भी वो दिखेंगे। उनकी फीस 75 लाख के आसपास बताई जा रही है। योगी बाबू। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम योगी बाबू भी जवान का हिस्सा हैं। उनके एक्टिंग टैलेंट से परिचित नहीं है तो मंडेला फिल्म देख डालिए। जवान के लिए उनकी फीस 25 से 50 लाख कही जा रही है। हमने सभी एक्टर्स की फीस कोई मोई और बॉलीवुड लाइफ में छपी रिपोर्ट्स के आधार पर बताई है। खैर, मूवी में दीपिका पादुकोण और संजय दत्त का कैमियो भी होने वाला है। इसमें रिधि डोगरा समेत एक्टर्स की पूरी एक फौज है। इन सब की फीस के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। जवान को एटली डायरेक्ट करने वाले हैं। फिल्म 7 सितंबर 2023 से सिनेमा घरों में लगेगी। ये जानकारी आपके लिए जुड़ाई थी मेरे साथी अनुभव ने। मैं अंकर, आप देख रहे हैं टॉप सिनेमा। शुक्रिया।